खरगोन जिले में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के बिस्टान में बनने वाले माध्यमिक विद्यालय के भवनों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में भगवानपुरा विधायक केदार डावर, जनपद पंचायत गोगांव अध्यक्ष संगीता मंडलोई, राधा किशन गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। विधायक केदार डावर ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही हमने जनजातीय कार्य विभाग से भी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया ताकि बच्चियों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इस दौरान स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष नारायण राठौड़ यशवंत गुप्ता द्वारा बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थायी प्राचार्य पद और रेगुलर शिक्षकों की व्यवस्था परीक्षा परिणामों को लेकर चिंता की गई और बताया कि पिछले कुछ सालों में नियमित शिक्षक नहीं होने से हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम मात्र 21% तक ही रह गया। बिस्तान से यशवंत गुप्ता की रिपोर्ट। व्यवस्था में बैठक की व्यवस्था कमी थी और विधानसभा चुनाव के बाद हम लगातार इन कमियों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे थे और उसी प्रयास में आज जो इतने 3 महीने की प्राथमिकता यानी 3 में करो यार जी, इसको जल्दी जल्दी पूरा करके हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अच्छी बैठक व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब मिलके इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मिलके हमारे इस पिस्टान ग्राम को और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र को पूरे प्रदेश में एक सबसे आगे नंबर एक पे विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों में ले जाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम सब मिलकर करेंगे। यह केवल विधायक नहीं, विधायक पूरा विधानसभा क्षेत्र है लेकिन मैं प्रतिनिधि हूं, हम सब मिलकर ये काम करेंगे और जो भी संभव होगा शासन की योजना जो हम यहां ला सकते हैं। हमारा एक बिस्तान गांव बड़ा 10-20-25 गांव का एक सेंटर है, इस सेंटर पे जो हम ला सकते हैं शासन की योजना का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और उसको यहाँ लाने का काम करेंगे। सामने पिछले दिनों हम आए थे, उस भवन लंबे समय से पेंडिंग थी, मांग थी, उसके गड्ढे भी खुदना चालू हो गए हैं। निश्चित तौर पे कन्याओं को उस भवन का लाभ जल्दी मिलेगा। एक काम और बताया था शौचालय वाला, वो काम भी चालू हो गया है। इसी से मेरी बात हो चुकी है, जिसका बच्चों की जो समस्या थी उसका समाधान शीघ्र होगा। खरगोन जिला मुख्यालय पर